आज हम बात करेंगे कुछ हमारे बेसिक राइट्स के बारे में, जिसे आज हर कोई भूल चुका है। बेसिक हेल्थ केयर। तो दोस्तों, हेल्थ केयर दो सेक्शंस में डिवाइड होता है। एक तो होता है प्राइवेट और दूसरा होता है पब्लिक हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम रूरल और अर्बन एरियाज में प्राइमरी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो कि गवर्नमेंट फंडेड होता है। हमारी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया गया है तीन लेवल्स के, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शियरी लेवल, मतलब तृतीय लेवल। तो सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर आते हैं सब सेंटर, SC जिसे बोलते हैं, और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जिसे PHC कहते हैं। तो सेकेंडरी लेवल पर आते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और टर्शियरी लेवल पर, तृतीय लेवल पर आते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस। इसमें अगर सिर्फ रूरल हेल्थ केयर की बात करें तो इसमें आते हैं सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कॉमन हेल्थ सेंटर्स। ये थ्री टीयर सिस्टम है जो कि मेजोरिटी रूरल एरियाज पर ही फोकस करता है। इन्हीं थ्री टीयर्स को हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सब सेंटर। सब सेंटर को एक्सट्रीमली रूरल एरियाज के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ दो हेल्थ केयर वर्कर्स, मेल और फीमेल, का होना जरूरी है। एक सब सेंटर 5,000 लोगों को कवर करता है और इसके एक्सपेंसेस पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कवर किए जाते हैं। इनका मेन काम होता है चाइल्ड मैटरनल हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और बाकी सारे इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करना। तो आपने अभी किसी छोटे से गांव में देखा होगा सिर्फ, जहां पे छोटी सी हॉस्पिटल जैसी होती है, जहां पे दो लोग होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC। थोड़े डेवलप्ड रूरल एरियाज में होते हैं। यहाँ एक मेडिकल ऑफिसर, 14 पैरामेडिकल स्टाफ और 4 to 6 बेड्स का होना जरूरी है। ये 6 सब सेंटर्स के लिए एज ए रेफरल यूनिट एक्ट करता है, मतलब जो 6 SC छोटे छोटे सेंटर्स हैं उनके ऊपर एक PHC आता है। तो जहाँ पे अगर ये 6 छोटे मोटे सेंटर्स जो कि है नहीं कर पा रहे कुछ, तो वो इनको रेफर करते हैं PHC में, फिर PHC को करेंगे आगे CHC में, ऐसा ऐसा चलता है। ये 6 सब सेंटर्स के लिए एज ए रेफरल यूनिट एक्ट करता है और ये पूरी तरह से स्टेट फंडेड होता है। इनका भी काम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ही होता है। तीसरा, तो समझ गए ना, जो सबसे छोटा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है, जो दूसरा होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो स्टेट ओन्ड होता है, और तीसरा आगे हम जिसकी बात कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, एक छोटी सी हॉस्पिटल की तरह ही वर्क करता है, क्योंकि यहाँ 30 बेड्स, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और लैब फैसिलिटीज होती हैं, जिसके लिए एक सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिशियन के साथ 21 पैरामेडिकल स्टाफ भी होते हैं। PHC की तरह ये भी स्टेट फंडेड ही होता है। ये 4 PHC के लिए एज ए रेफरल यूनिट एक्ट करता है, समझ गए। तो 4 प्राइमरी हेल्थ सेक्टर जो हो गए, 4 PHC, उनके ऊपर एक आ गया CHC, ये फिर से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ही फंडेड होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम समझ गए कि यार क्या SC होता है, क्या PHC होता है और क्या CHC होता है। समझ में आया, आ गया ना, कोई डाउट है तो दोबारा रिवाइंड करके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब हिस्ट्री का चैनल नहीं पढ़ा रहा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मेरे को SC का फंडा, मैं भी गांव में रहता हूँ, लेकिन मुझे SC ना, मुझे भी बहुत कम लोगों जगह दिखी है। मतलब SC तो मतलब ऐसा कि आई थिंक बुक्स में ही एग्जिस्ट करती है, होती भी होगी ग्राउंड लेवल पर मैंने नहीं देखी, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ 2019-2020 रूरल हेल्थ स्टेटिक्स के अनुसार टोटल 1,55,404 सब सेंटर्स हैं, समझ रहे हो, 24,918 PHC और 5,183 CHC हैं रूरल एरियाज में। पर फिर भी सेकेंड वेव के दौरान सिर्फ मई महीने में ही 53% नए कोविड केसेस और 52% कोविड डेथ सिर्फ रूरल डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। क्यों सेकेंड वेव के टाइम रूरल एरिया सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए, पता है भाई साहब हमारी पब्लिक हेल्थ केयर में, स्पेशली रूरल हेल्थ केयर बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। रूरल हेल्थ केयर में सबसे बड़ा कंसर्न है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का। ये बहुत ही बुरी तरह से अंडर फाइनेंस भी है, जिसकी वजह से यहाँ लो क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिसिन की कमी होती है। अब 2018 के डाटा के अनुसार सिर्फ 11% सब सेंटर्स, 13% PHC और 16% CHC ही रूरल इंडिया में इंडिया पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड को मिलते हैं, बाकी सिर्फ झकमरा रहे हैं, समझ रहे हो तुम।
पहला तो क्या है कि स्टैंडर्ड ही खत्म है, दूसरा है कि नंबर्स भी कम है, दूसरा रीजन समझ में आ गया कि हेल्थ सेंटर की कमी है। भाई साहब रूरल इंडिया में 18% सब सेंटर्स की कमी है, जो सबसे पहला कॉन्टेक्ट होता है विलेज कम्युनिटी और मेडिकल ऑफिसर्स के बीच का। पब्लिक हेल्थ सेंटर की भी 22% शॉर्टेज है और 30% शॉर्टेज है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की। अब तीसरा रीजन है हॉस्पिटल बेड्स। यार हम सबको पता है कि हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है ना। आज उसका डेटा भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश ऐसे स्टेट्स में हर 1000 पॉपुलेशन के पर 2 से भी कम बेड है, वहीं कर्नाटका का 4 से भी ज़्यादा है। ये डेटा स्टेट वाइज इसलिए डिफर करता है क्योंकि स्टेट फंडेड है। अब जो स्टेट की गवर्नमेंट थोड़ा सा सीरियस है हेल्थ को लेकर, वहाँ पे थोड़ा सा नंबर बढ़ जाता है, जहाँ पे कम है तो वहाँ पे नंबर कम है, तो तुम देख लो। अब आता भैया चौथा रीजन है कि भैया डॉक्टर्स भी कम है ना। अकॉर्डिंग टू सब इंजीनियर बन गए हैं मेरे को लग रहा है ना, बीच में जो वो चला था ना सब इंजीनियर बन गए, तो डॉक्टर्स की भाई बहुत सारी भारी मात्रा में कमी है। अकॉर्डिंग टू 2019 डेटा सिर्फ 59.2 सब सेंटर्स के पास ही नर्सेज थे और 76.1% स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज पाई गई थी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। चलो इसके अलावा अगर स्टेट वाइज का डेटा कंपेयर करें ना, तो कुछ नंबर इस तरह से दिखेंगे, स्क्रीन पे देख लो। यहाँ यूपी, राजस्थान और हरियाणा में 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर भी नहीं है, इसीलिए रूरल एरियाज में एक पेशेंट को हमेशा टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता डॉक्टर्स की कमी की वजह से। और प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, एक तरफ जहां डॉक्टर्स की कमी है वहीं दूसरी तरफ इनकी अटेंडेंस की भी कमी है। अटेंडेंस का इशू भी बहुत खतरनाक इशू है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनकी अटेंडेंस की, अब बायोमेट्रिक तो लगा नहीं हुआ तो आपको पता लग जाए कि कौन सा डॉक्टर हॉस्पिटल में पहुंच रहा है, कौन सा डॉक्टर नहीं पहुंच रहा है। और ये तो इन जनरल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में भैया अटेंडेंस इस तरह से कुछ होता ही नहीं है। अटेंडेंस भी कोई चीज़ है क्या, मतलब उनके पास पता ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम अब बाकी जगह पे इतना इफेक्ट नहीं करते, लेकिन जहाँ पे हेल्थ केयर के सिस्टम की बात करते हैं वहाँ पे यार लोगों की जान से रिलेटेड है, तो वहाँ भी अटेंडेंस का बहुत बड़ा इश्यू है। इसके ऊपर कोई डेटा नहीं मिला हमारे पास कि एग्जैक्टली ये डेटा हो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये डेटा कैप्चर ही नहीं करती, तो फिर घंटा तुम्हें मिलेगा डेटा। पर कुछ दिन पहले ना स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड ने यूपी में रूरल हेल्थ केयर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। वहाँ सरकारी हेल्थ सेंटर्स सालों से बंद पड़े हुए हैं भाई, कोई डॉक्टर या कोई हेल्थ ऑफिशियल वहाँ विजिट करता ही नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इसका डेटा भी नहीं है। अगर आपको कभी इसके बारे में जानकारी चाहिए कि कितने डॉक्टर्स कहाँ पे आते हैं, तो किसी एक छोटे से गांव में जाके एक सेंटर में जाके पता कर लेना कि कितने डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं। फिर आता है भाई साहब पांचवा रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस। इंडिया में प्रॉपर हेल्थ केयर के बारे में अवेयरनेस की बहुत भारी मात्रा में कमी है, इसलिए आज भी लोग वैक्सीन लेने से पहले डरते हैं। इसके अलावा कुछ और भी रीजन है, जैसे कि भाई अफोर्ड नहीं कर पाना, इंश्योरेंस ना होना रूरल हेल्थ केयर को बद से बदतर कर रहे हैं। इंडिया को दोस्त एक इफिशियंट और इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो डाउट हमारी जो एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसे बनाया बड़े अच्छे से, पर ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे अब गवर्नमेंट तो ये भी एम करती है कि पूरे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को ऑपरेशन में लाया जाएगा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंडर। इससे अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने में एक काफ़ी सिग्निफिकेंट फैक्टर बन सकता है। पर भैया आज तक इस प्रपोजल को नेशनल बेसिस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ खास नहीं किया गया है, और ये इसलिए भी है क्योंकि जब हमारे नेता वोट मांगने आते हैं तब वादे बड़े बड़े करते हैं पर पूरा एक भी नहीं करते, या बहुत सा कम करते हैं, और जो करते भी हैं उसमें हेल्थ केयर किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। किसी पॉलिटिशियन को कभी सुना है कहते हुए कि मुझे वोट दो मैं तुम्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड कराऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा? नहीं ना। और आज हमें रियलाइज भी हो रहा है कि भैया अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई आँखें खोलो, और अब जगने का वक्त आ चुका है। बहुत लोगों को हमने खो चुके हैं इस पैंडमिक की वजह से। अगली बार जब नेता वोट मांगने आए ना, तो अपनी जाति, धर्म हैं, मंदिर, इन सब मुद्दों से हटके एक बार ये पूछना कि जो मेरे गांव में हेल्थ केयर सेंटर जो बना हुआ है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, इसमें डॉक्टर कब आएंगे, इसमें दवाइयाँ कब अवेलेबल होंगी, मेरे बच्चों का न्यूट्रिशन कैसे सही होने वाला है, एजुकेशन कैसे सही होने वाला है। नहीं तो चूतिया के चूतिया रह जाओगे तुम भी और ये देश भी। भाई जब भी वोट दे रहे हो तो इस चीज़ को पूछो अपने नेताओं को, भाई बता हॉस्पिटल कहाँ है, एजुकेशन कहाँ है, नौकरी किधर है, कहाँ
यह मंदिर से कुछ ना होने वाला, समझ रहे हो मेरी बात? जय हिंद जय भारत। सिन्हा ठोक के कह रहा हूँ कि हाँ बीजेपी का एजेंडा है राम मंदिर बनाना भैया, राम लल्ला की वो जमीन है और वहां पर राम जी का ही मंदिर बनेगा। मैं सिन्हा ठोक के बोल रहा हूँ